कितने मजे से ये लोग काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे बन रहे हैं ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मंसूरी और आज मैं आपके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आज मैं आपको लेजेंडरी स्मार्कन ब्रेड कैसे बनाते हैं उसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। चैनल का नाम है फूड स्टोरी और आपको ओरिजिनल वीडियो देखना हो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, तो वो आप जाके जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 1, 2, 3। ये पूरा तंदूर है, उसके अंदर पूरा उल्टा होके डाल रहे हैं। ये तरीका कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग है। ये देखो, ऐसे ब्रेड मैंने पहली बार देखे हैं बड़े बड़े। आज मैंने ये वीडियो देखा तो मेरा बनाने का मन हो गया कि चलो मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को भी दिखा लूँ। ये शायद कोई तुर्किस्तान की रेसिपी लगती है मेरे को, वहाँ की ब्रेड होगी ये। ये आप लोग देखिए, बहुत ही यूनिक तरीका है बनाने का। ग्राइंडर जैसा है, इसके अंदर आटा पूरा पीस हो रहा है और मैदा का आटा लगता है ऐसा। काम करने की कितनी स्पीड है, पूरा उसको वजन करके बनाते हैं एक ही क्वांटिटी में, एक टाइप का मतलब एक ही वजन के अंदर वो लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही बना दिया, वजन करके बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। इनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। पूरा ब्रेक बनने के लिए वो मटेरियल तैयार हो गया है। ये यूनिक तरीका है, पूरा अलग से। ये पूरा खेल पूरा स्किल का है, काम करने का तरीका देखो कितने फास्ट कर रहा है। आज TikTok का वीडियो कुछ ना इसलिए सिर्फ वो क्या था चीज़ लास्ट रखें संडे ली के अंदर पूरा वो स्टैम्प लगा रहा है।
और ये कुछ काला करके डाला, ये क्या है पता नहीं, मतलब अलग अलग तरीका का है ये, पहली बार देखा है ऐसा। अच्छा पूरा कुनफू कर रहा है ऐसे बना रहा है। अभी अंदर वो लोग जो डालते हैं वो देखने का है। एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में बना दीजिए। ये पूरा सब तंदूर है, बनाने का यूनिक तरीका, यूनिक रेसिपी। पूरा एक हाथ से अंदर चला जाता है, अभी ये गलती से भी ये गिर जाए तो उसका अंदर ही उसकी तंदूरी बन जाएगी, पर ऐसा होता नहीं होगा, इन लोगों को सालों की प्रैक्टिस होगी ये करने की। ये उनका तरीका यार कैसा है, बहुत ही मतलब यूनिक तरीका है, पहली बार ऐसा देखा, पूरा तंदूर के अंदर जाके चिपका दे, क्या बात है। कितने मजे से ये लोग काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे बन रहे हैं ब्रेड। इन लोगों का अंदर चिपकाने का तरीका ही मेरे को बहुत पसंद आया है। अभी तो तैयार भी नहीं हुआ पर हमको, मेरे को खाने का मन हो गया, इतनी मेहनत से ये लोग बना रहे तो इसका टेस्ट कैसा होगा, कभी हमारे नसीब में होगा तो हम भी ये ब्रेड खाएंगे। मेरे हिसाब से तंदूर ही इतना बड़ा है तो इसके अंदर 100 के ऊपर ब्रेड वो लोग बनाते होंगे, आई थिंक, मेरे को तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर हो गए 100 से ऊपर तो हो गई, 100 के ऊपर हो गई, क्योंकि पूरा भर देते हैं वो लोग चिपका के, बड़े बड़े तंदूरी कितना बड़ा है इन लोगों का।
काम करने की स्पीड भी देखो कितनी है। वाह भाई वाह, मान गई यार। अभी पकने का काम शुरू हो गया। ये लोग क्या आता है, पानी का भी है, पानी हो सकता है या फिर कोई ऑयल हो सकता है। तैयार हो गया है, अभी उसको निकाल रहे हैं। शायद इसमें बड़े बड़े ब्रेड हो गए। खाने के लिए रेडी हो गई। चिकन मटन पूरा बल्क में तैयार हो गया। कौन सी भाषा बोल रहे है? क्या बोल रहे हैं? निकालने के लिए भी कितने प्रॉपर औजार हैं उन लोगों के पास। पूरे बन के तैयार हो गए, लाइन लगा दी ब्रेक की। खाने के लिए तैयार, अभी भी निकल रहा है। उनकी जो अंदर आग जल रही है वो देखा, कुछ तरी का कुछ अलग है। पूरे ऐसे लाइन के अंदर शायद कोई मतलब लाइन होगा, वो कॉइल आती है ना वो इलेक्ट्रिक सगड़ी की, उस टाइप का कुछ होगा ऐसा लगता है मेरे को। अंदर कुछ किया होगा उन लोगों ने। कितना निकालोगे भाई? जर्मनी अपने क्या भी अच्छी में मामा।
अभी भी काम चालू ही है। तो आई थिंक इन लोगों ने 1000 से 1500 ब्रेक बनाए होंगे मेरे ख्याल से, इतने तो होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। तो आपको ये रेसिपी की बनाने की ट्रिक कैसी लगी इन लोगों की? तो इन लोगों की चैनल का नाम है फूड स्टोरी। तो आप लोग ओरिजिनल वीडियो देखना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया है, जाकर देखिए। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में आपका ज्यादा क्या है, फ्री में होता है, पैसा तो ज्यादा नहीं है। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।